युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सेहतमंद रहना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट लीजिए और जरूरत के हिसाब से वर्कआउट जरूर कीजिए। युक्त आहार और विहार से सब रोग दूर हो सकते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि थाली में खाना तो भरपूर है, जिसे खाने के बाद पेट भी भरा, जीभ का स्वाद भी बदला, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से कुछ नहीं मिला। और यही वजह है कि जब बात न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन की आती है तो हमारा देश कतार में कहीं पीछे नजर आता है। और ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्टडी से लगा सकते हैं। स्टडी के मुताबिक शरीर में सिर्फ विटामिन डी की कमी किसी भी जानलेवा बीमारी में मौत के खतरे को 25% तक बढ़ा देती है, जोड़ों में दर्द, कैंसर के रिस्क को भी बढ़ा देती है। जबकि अपने देश में विटामिन डी मुफ्त मिलता है क्योंकि इसका मेन सोर्स है सूरज की रोशनी। इसी तरह अगर विटामिन B12 की बात की जाए तो बॉडी में प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते इसकी कमी की वजह से, जिससे टिश्यूज और ऑर्गन्स को कम ऑक्सीजन मिल पाती है। नतीजा वेट लॉस, चिड़चिड़ापन और थकान, साथ में हार्ट बीट इररेगुलर जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि देर तक बैठे रहने से उन्हें पीठ या कमर दर्द होता है, जबकि ताजा स्टडी ये बताती है कि B12 की कमी से भी बैक पेन हो सकता है। तो विटामिन सी की कमी इम्यूनिटी को वीक कर देती है। और इसी तरह से मीनाक्षी, कैल्शियम की कमी हड्डियों को खोखला कर देती है, तो विटामिन ए की कमी से नजर कमजोर होती है। और हाल ये है कि देश की 60% आबादी के खाने की थाली में न्यूट्रिशन की कमी है। 80% लोग विटामिन डी और 74% विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परेशान। इतना ही नहीं हुसैन, 53% महिलाओं का हेमोग्लोबिन भी कम है, एनीमिक है। अब ऐसे में देश रोग मुक्त तो तभी होगा जब हेल्दी डाइट अपनाएंगे, रोजाना करेंगे योग और प्राणायाम। तो चलिए हमेशा एनर्जेटिक कैसे रहें ये जानेंगे स्वामी रामदेव से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और अब हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम भाई आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और पूजा जी। और देखो मेरे साथ यहाँ पर हाई कोर्ट के हमारे रिटायर्ड जज हैं अजय त्यागी जी। क्या हो गया था आपको, किसकी चीज की कमी हो गई थी? मुझे स्वामी जी 20 साल पहले सार्कोइडोसिस डायग्नोज हुई थी, तो उसका इफेक्ट यह है कि मेरी बोन्स में थोड़ी वीकनेस आ गई, तो विटामिन डी बहुत डाउन रहने लगा। तो बोन्स भी वीक हो गए, विटामिन डी, डी का भी और बोन्स का भी सीधा संबंध है, तो फिर क्या एलोपैथी में? क्या एलोपैथिक में पहले कैप्सूल, पहले तो लिक्विड आते थे, फिर अपराइज कैप्सूल भी खाया, तो खाने से लेवल तो बढ़ता था विटामिन डी का, लेकिन छोड़ने के बाद फिर डाउन हो जाता था, सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। फिर मैंने ये न्यूट्रिला की जो विटामिन डी 2K है, ये 3 टैबलेट्स पर डे खाई सुबह दोपहर शाम, और च्यूएबल टैबलेट्स हैं, इनसे मेरा विटामिन डी का लेवल ठीक हो गया। और मैंने फिर कुछ दिन छोड़ के देखा तो लेवल डाउन नहीं हुआ, सस्टेनेबिलिटी बनी रही। क्या बात है। तो ये तो जज साहब हमारे अब पूरे, ये और इनकी धर्मपत्नी पूरे योगी हो गए, अनुलोम विलोम करते रहो। और बड़ी बात ये है 50-80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा या अलग अलग प्रकार की चीजों की कमी आती है, उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इसके तो बाल ही उड़ गए थे, अब तो तेरे बाल दोबारा आ गए। क्या नाम है? विजय शंकर सहाय। शंकर के वापस बाल आ गए, केश कांति तो लगाया या एडवांस, और जो है डेफिशिएंसी भी दूर कर ली। और इसके भी भाई साहब क्या-क्या कम हो गए? एलोपैथिक की दवा लेते रहते हमारा सर, विटामिन डी, B12, ये शुगर बढ़ गया था सर हमारा, लंग दवा लेते थे, लंग्स की दवा लेते, लंग की दवाई ले रहे थे, कई डेफिशिएंसी साथ में आ गई थी। अब क्या हाल है? अभी ठीक है सर, सभी किसी का दवा आज के डेट में, इवन इस बार तो अब मधुनाशिनी भी बंद कर दिया गया है। एलोपैथी आयुर्वेद की कोई दवाई नहीं है। क्या बात है। और ये तुम क्या कह रहे हो बाबू, आपका क्या नाम है? ये है अदिति, ये धरती पर आई योग से, इसकी माँ को तो क्या था? पीसीओडी, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया हुआ था। योगा किया और यहाँ पतंजलि चिकित्सालय से दवाइयाँ ली और उसके बाद सारी चीजें ठीक हो गई और फिर ये मेरी बेटी हुई। जी, तो ये भी प्रमाण साथ में लेकर के आई है। कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, और इधर आप देख रहे हैं ये तो सब योग तो कर ही रहे हैं, अलग अलग सब रोग मिटा करके बैठे हैं कुछ, और पीछे पूरी जड़ी बूटियां हैं। आज हमने बढ़ के आंवले के पेड़ के नीचे ही रखा है, जो प्रकृति के निसर्ग के बीच में रहेंगे। और ये देखो मिट्टी लेप हो रहा है, इधर से वाटर थेरेपी,
मड थेरेपी चल रही है, आम फूट हिब्बा चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं बस एक दो चीजें कहना चाहता हूँ, ये सन थेरेपी मड थेरेपी, एक घंटा सुबह प्रकृति के निसर्ग के संपर्क में रहो 24 घंटे में, और छोटे छोटे अभ्यास करने शुरू कर दो, जो कठिन अभ्यास भी नहीं कर पाते, जैसे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ करके ये योगाभ्यास शुरू कर दिया, एक घंटा धूप में बैठे, 80% लोगों को एवरेज आउट करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, फिर उससे कैल्शियम में भी दिक्कत आती है, फिर उससे हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, फिर अच्छा, स्वामी जी भी कमी आती है, हाँ, जो सुबह धूप में नहीं बैठते उनका हीमोग्लोबिन भी डाउन होता है। तो एक घंटा सुबह सुबह इंडिया टीवी आप जो है घर के आंगन के बाहर ही लगा लो, या अपनी बालकोनी में लगा लो, या अपनी छत पे लगा लो, और वहीं से योग करना शुरू कर दो, तो सूरज की धूप से विटामिन डी पूरा मिलता है, शाकाहारियों को B12 दूध दही छाछ से पूरा मिल जाता है, और आयरन और सारे बाकी विटामिन ए के ई सारे जितने भी हैं ये शाक सब्जियों से फलों से मिल जाते हैं, और प्रोटीन का सबसे हेल्दी विकल्प है दूध दही छाछ दालें और सोयाबीन। सोयाबीन में तो दोनों का हो जाते हैं, उसमें ई भी पूरा मिल जाता है और उसे प्रोटीन भी पूरा मिल जाता है। तो ये आज ये स्वामी जी आप लगातार बता रहे हैं तो लेंगे, लेकिन जो निसर्ग के साथ जिएंगे उनमें कोई फिजिकल और मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, उससे जो है आंतरिक भाव चेतना भी हमारी ऊंची बनी रहती है। जी मेरे भाई हुसैन जी, स्वामी जी योग जिस तरह से शरीर के लिए जरूरी है, न्यूट्रिशन भी शरीर के लिए कितना जरूरी है, ये आप हमेशा बताते हैं, आज भी आप बता रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अपना खान पान सुधार नहीं रहे। थालियां तो बड़ी होती जा रही हैं लेकिन खान पान नहीं सुधर रहा, जिसकी वजह से डेफिशिएंसीज बढ़ रही हैं। तो स्वामी जी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए यौगिक अभ्यास जो है वो तो आपने उसके शुरू करवा ही दिए हैं, खान पान कैसा होना चाहिए, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने वक्त तक दिन भर में जो कुछ खाया पिया जा रहा है उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना है? तो देखो सुबह उठे तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक जो जहां उपलब्ध है, कम से कम आंवला एलोवेरा गिलोय का तो नीम ही ले लें, ये तो सबको हमने उपलब्ध करा दी है। बाकी जो मैंने बताया लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्क है, तो सुबह उठ करके कम से कम आंवला एलोवेरा गिलोय से शुरुआत करें। सुबह पानी जरूर पिए, उसको उषपान कहते हैं, और एक नियम से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये सूर्य नमस्कार, इसको तो कभी नहीं छोड़ना, ये तो 10 बार करना ही करना है। नाश्ते में एक जैसा नाश्ता नहीं, कभी अलग अलग प्रकार के मिलेट से बने हुए दलिये का, मल्टीग्रेन दलिये का, आजकल किसी को इडली आदि भी खानी होती है, डोसा खाना होता है या पराठा भी खाना होता है, तो सप्ताह में एक बार से ज़्यादा ना, एक दिन पराठा खा लो, चलो एक दिन इडली भी खा लो, एक दिन दलिया खा लो, एक दिन फिर खाली जूस ही पी लो, खाली फ्रूट्स ही ले लो, और सप्ताह में एक दिन जो है थोड़ा अवॉइड भी कर दो, एक दिन उपवास भी कर लो। तो एक जैसा नाश्ता नहीं, एक जैसे घर में तेल नहीं, कभी नारियल का, कभी सरसों का, कभी तिल का, कभी सोयाबीन का, कभी राइस ब्रान का, अलग अलग जो नेचुरल तेल है उनका इस्तेमाल करें, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। अलग अलग तेल, ये हार्ट की लाइफ के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, पूरी बॉडी के लिए, सभी प्रकार की डेफिशिएंसी से बचने के लिए जरूरी है। अलग अलग तेल, अलग अलग आटा, अलग अलग दालें, ये तो पूरी प्रदर्शनी खाली है, कोई व्यापार के लिए नहीं रखी हुई है, ये उपचार के लिए रखी हुई है, उपकार की भावना से कि हम अलग अलग दालों का प्रयोग करें और दालें छिलके वाली हों, अलग अलग अनाजों का प्रयोग करें और अलग अलग साग सब्जियां, अलग अलग फल, जो भी सीजनल चीजें होती है उनका इस्तेमाल करें। रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करें, खाने में वात पित्त कफ अपनी प्रकृति को देख करके उसके अनुसार भोजन का चयन करें। वात प्रकृति वालों को बायबादी की चीजें, ठंडी खट्टी चीजों का निषेध है, जिनकी कफ प्रकृति है उनको भी ठंडी और चिकनी चीजों का निषेध है, जिनकी पित्त प्रकृति है उनको मिर्च मसाले ज्यादा उत्तेजक आहार का निषेध है,
तो ऋत भूक हित भूक मित भूक होना है युक्त आहार विहार से, जहां से आपने शुरुआत की थी हुसैन भाई। और अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग है उस खाने के क्रम में पहले सलाद और फ्रूट से लेने हैं, बाद में पका हुआ अन्न खाना है और मिष्ठान सबसे अंत में, और खाने के एक घंटे बाद पानी पीना, विरुद्धार नहीं लेना है। स्वामी जी एक्चुअली थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं 40-50 के बाद। जी मेरे भाई, बहुत सारे लोग स्वामी जी ये शिकायत करते हैं कि वो खाने में सब कुछ तो ले रहे हैं, यानी उनकी थाली न्यूट्रिशन से भरपूर है, लेकिन उनके शरीर में न्यूट्रिशन उनके शरीर को मिल नहीं पा रहा है, और इसकी वजह होती है कि वो उनका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है न्यूट्रिशन को, क्योंकि डाइजेशन उनका ठीक नहीं है। तो सबसे पहले डाइजेशन का ठीक होना बड़ा जरूरी है। तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए तो खाने के बाद वज्रासन में ऐसे बैठा करें, खाने के बाद मुंडूकासन नहीं करना, खाने के बाद वज्रासन में बैठा करें, रात के खाने के बाद 10-15 मिनट थोड़ा टहला करें, चला करें, दोपहर के खाने के बाद सुबह नाश्ते के बाद वज्रासन में ऐसे बैठ जाएं और सुबह सुबह खाली पेट। अभी मैं पाचन तंत्र के लिए अभ्यास बता रहा हूँ, मैं अभी 10-10-20-20 सेकेंड बताऊँगा, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है 10-20 मिनट तक कर लेना। अब खाया पिया शरीर में डाइजेस्ट कैसे होता है, पहले वो आमाशय में पक्वाशय में आंतों में जाकर के भोजन शरीर के अंदर अवशोषित होता है, फिर लीवर से उसका प्रोसेस होकर के वो शरीर के अनुरूप करके जिस शेप में जिस कंडीशन में बॉडी फूड को न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती है उसको उस कंडीशन में लाने के लिए लीवर की बड़ी भूमिका है, फिर वो पूरे शरीर में जाता है और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज बनता रसात रक्तम ततो मनसम मांसन मेद प्रजायते मेद स्वस्थ तथा मज्जा मज्जा शुक्र से संभव। तो जब ये मंडूक आसन ऐसे पूरा होगा, और ये भी मूलबंध और उड्डयन बंध के साथ, कपाल भाती के साथ, तो पाचन अच्छा हो जाएगा। देखो घास फूस खा के गन्ना खा के हाथी कितना मजबूत होता है, सूखी घास और चने खा के हाथी कितना बढ़िया दौड़ता है, और हिरण भी खाली हरी घास खा करके दौड़ता है, और आदमी लड़खड़ा रहा है संभाल पानी खा करके। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाथी ये घोड़ा ये शेर ये सब ये जो खाते हैं वो उनको डाइजेस्ट हो जाता है, और थोड़ा प्रकृति के अंग संग रहते हैं, धूप में रहते हैं छाया में रहते हैं, सर्दी गर्मी को थोड़ा सहन भी करते हैं जी। आदमी ने जो आर्टिफिशियल लाइफ बना ली है, इसलिए मैं एसी और हीटर से दूर रहता हूँ, और चारों तरफ आप भी देखो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए आप ऐसे ये भी कहते हैं कि जितना आप कच्चा खाना जितना रॉ खाना जितना अपने मूल उसके स्वरूप का खाना है आप उसे वैसे खाएंगे तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। स्वामी जी अब वाइटामिन डी की बात कर लेते हैं, सूरज की रोशनी हमारे शरीर में वाइटामिन डी बढ़ाती है, एक ताजा स्टडी बताती है कि वाइटामिन डी की कमी से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घट रही है, यानी उम्र घट रही है, किसी भी जानलेवा बीमारी से मौत का खतरा 25% तक बढ़ रहा है, जबकि देश में 80% लोग वाइटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। स्वामी जी धूप में बैठकर योग कब करना चाहिए, ये ड्यूरेशन वाइटामिन डी लेने का यानी सूरज की रोशनी में बैठने का बेस्ट टाइम कौन सा है और कितनी देर बैठना चाहिए? इसमें कई प्रकार की भ्रांतियां मीनाक्षी जी कि धूप में कब बैठें, तो एक सिंगल एक फिलॉसफी है, एक पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म वो रख देता हूँ। सूरज में सुबह सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक कभी भी बैठ सकते हैं, भारत में कभी भी कोई खतरनाक रेजेज नहीं आती हैं ऐसी, तो सुबह से शाम तक कभी भी बैठ जाएं, एक तो ये साधारण रूल हो गया, लेकिन सूरज की धूप में जरूर बैठे एक बात, और 45 मिनट से लेकर के 1 आवर सूरज की धूप में बैठना पर्याप्त है। एक बोले जी मैं तो दिन भर ही बैठ रहा हूँ पूरा काला ही पड़ गया हूँ, उसकी मैंने पीठ देखी सूरज की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं तो पूरा ऐसे तो इतना ज़्यादा बैठने की जरूरत नहीं जितना चाहिए, संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य और जीवन है। एक घंटा बैठ जाए करें तो 12-14 घंटा जब तक सूरज रहता है आप कभी भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह शाम का जो सूर्य होता है वो सोम्य होता है और उसमें पूरा विटामिन डी आपको पूरी मिल जाती है, और किसी प्रकार से ज़्यादा तेज़ धूप से होने वाली
कोई स्ट्रोक आदि, कोई और दूसरी प्रकार की गर्मी आदि लगना, लू लगना, उनसे बच जाते हैं। इसलिए सुबह शाम की धूप को अच्छा माना जाता है, वो सहनीय होती है, बड़ी सौम्य होती है, बस इतना ही अंतर है, और कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक घंटा धूप में बैठेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी, जिनको हो गई वो थोड़े दिन न्यूट्रेला के नेचुरल ले ले, हम लाइकेन से बनाते हैं। बाकी जो सिंथेटिक विटामिन डी है, बी12, कैल्शियम, आयरन आदि है, जैसे अजय त्यागी साहब बता रहे थे, जस साहब, कि बॉडी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो रिफ्लेक्ट तो हो जाता है कि विटामिन डी, बी12, कैल्शियम आदि बढ़ा हुआ है, लेकिन वो शरीर के अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, और वो भी शरीर में लगता नहीं, खाली खून में घूमता रहता है। इतने नेचुरल चीज़ें सबसे अच्छी होती हैं, और धूप वो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है जो सबको मुफ्त में मिला हुआ है जी। और उसमें सूरज की धूप में बैठने से वैसे भी अक्षय ऊर्जा का केंद्र है सूरज, तो मन में उत्साह भी रहता है स्वामी जी। इसलिए विटामिन डी जो है सूरज से, विटामिन बी12 मकई में हमने कोन हल से तैयार किया है, और दूध दही छाछ से डी भी, और उससे प्रोटीन भी, उससे कैल्शियम मैग्नीशियम भी पूरा मिल जाता है। तो दूध दही जरूर खाएं, जिसको जो अनुकूलता है, किसी को दूध हजम नहीं होता तो पंचकोल का काढ़ा पी करके दूध पी लिया करें, और दही से भी किसी को दिक्कत रहती है तो उसमें लवण भास्कर या हिंगवस्टक डाल करके ले लिया करें, कफ की प्रकृति हो तो गुड़ के साथ ले लिया करें। ऐसे अलग अलग तरह से दही का और दूध का सेवन किया जा सकता है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और दूध पंचकोल के साथ पीने से डाइजेस्ट हो जाता है। दही में भी लवण भास्कर, हिंगवस्टक से लेकर के, जीरा आदि से लेकर के, और कफ आदि में गुड़ के साथ लिया जा सकता है। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी? स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि विटामिन डी की कमी को कैसे दूर किया जाए वो आपने बताया, बी12 के क्या क्या सोर्सेज हैं वो भी आपने बताया, तो मैं बी12 विटामिन से जुड़ी हुई एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ, जिसके मुताबिक शरीर में अगर विटामिन बी12 कम हो जाए तो खतरनाक बैक पेन हो सकता है, मसल्स कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैर में झंझनाहट होने लगती है। तो स्वामी जी, ऐसे में बैक पेन को कैसे दूर किया जाए, और उससे पहले जो बी12 की कमी शरीर में हो जाती है उसकी आपूर्ति के लिए और किन किन चीजों का सेवन किया जाए ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना जी। इसमें एक तो सिंपल सी बात बताता हूँ, एक तो सबसे अच्छा है मैंने कहा कॉर्न और दूध दही छाछ, एक और चीज है पूरा विटामिन बी12 बी कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा जो बी है ना वो सहजना में सहज रूप से पाया जाता है, तो सहजना के पत्तों का रस, सहजना की फली, सहजना की सब्जी से हमारे यहाँ ट्रेडिशनली खाई जाती है। ये गोमुखासन भी स्पाइन में लाभ करता है, ये उष्ट्रासन भी स्पाइन में लाभ करता है, जब ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बी12 की कमी से। और इसमें मैं जो है अभी पेट के लिए लास्ट दो तीन आसन बता देता हूँ, ये पवन मुक्तासन 1-2 मिनट, फिर ये उत्तान पादासन 1-2 मिनट, फिर ये नौकासन, और ये पादांगुष्ठ, ये तो बिल्कुल सिंपल हमने रोज की दिनचर्या के हिस्से बना दिए लोगों की जिंदगी में, 5-10 आसन 5-10 प्राणायाम रोज करते हैं लोग। सेतुबंध, सर्वांग और हलासन, ये तो डाइजेशन का पूरा पैकेज हो गया। और अब बात करते हैं स्पाइन के, स्पाइन के लिए सबसे अच्छा होता है मरकटासन और अर्ध पवन मुक्तासन। और बी12 की कमी के लिए मोरिंगा, दूध दही छाछ के अलावा जितने भी मिलेट्स हैं मैंने देखा है सारे न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाती है। इसलिए जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, मैंने नारा ही दे रखा है। इसलिए जवार, बाजरा, रकई, रागी, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, कुट्टू, इन सब चीज़ों का सेवन किया करें, और इससे बी12 की कोई दिक्कत ही कभी भी नहीं आएगी। अब दिक्कत आ गई तो क्या करें, तो त्रयोदशांग और अश्वशिला या अश्वगंधा खाने के बाद खाली पेट इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट ले लें तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम में कहीं हाथों पैरों में झंझनाहट, सूनापन, पैर सो जाते हैं, हाथ पैर सो जाते हैं, बहुत सी मतलब देखा आधा घंटे बाद उठे तो थोड़ी देर लंगड़े लंगड़े चलते, मैंने कहा क्या हो गया, बोले पैर सो गए, मैंने कहा आदमी तो सोते ही थे पैर भी सोने लग गए। ये तो पैर सुन्न पड़ने की या सोने की जो बीमारी है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की जो प्रॉब्लम है, और फिर जब ब्लड सर्कुलेशन एनर्जी का फ्लो कम होता है तो उससे कई प्रकार से अंदर से शरीर अंदरूनी तौर पर कमजोर पड़ जाता है। तो उसके लिए एक ये जो मेरे दाईं तरफ रखा है ना, ये कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच ले लिया, 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह,
मक्खन या गाय का घी एक चम्मच सुबह खाली पेट ले लें, 100 साल तक ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल्स और बोन्स सब हेल्दी रहेंगे और ऐसे चमड़ी ऐसे चमकती रहेगी जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं ना, पड़का पड़ रहा, माने ऐसे पूरा शरीर तेजस्वी ओजस्वी रहेगा। तो ये मेरुदंड के लिए बता दिए, उल्टे लेट करके भी मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, तो ये छोटे छोटे उपाय करने से पूरी जिंदगी ही संवर जाती है। और कई बार ये छोटे छोटे डेफिशिएंसीज, फिजिकल और मेंटल डेफिशिएंसीज भी होती, मैत्री की, प्रेम की, करुणा की, कृतज्ञता की, श्रद्धा की जो डेफिशिएंसी है ना, और ये भी माइक्रो लेवल पर जो है बहुत खतरनाक होती है, उससे भी व्यक्ति ढह जाता है। तो फिजिकल के साथ जो इमोशनल डेफिशिएंसी है, मोलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस के लेवल पर भी जा कर के हमको देखना है। और एक ही बात मैं कहूँगा बस, इसका समाधान तो यह है, सुबह उठते ही माता पिता गुरु और भगवान खुदा अल्लाह इस पूरी समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, पॉजिटिविटी रख, तो कोई इमोशनल डेफिशिएंसी भी हुसैन भाई नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। आयरन ना मिलने से शरीर में खून की कमी हो जाती है। हाल ये हो चुका है कि देश में 58% बच्चे और 53% महिलाएं एनेमिक हैं जिनमें आयरन की कमी है। आयरन अगर स्वामी जी इतना ज़रूरी है तो इसकी कमी को नेचुरली कैसे पूरा किया जा सकता है, इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, और जब लोहे की कमी हो जाएगी तो शरीर फिर लोहे जैसा कैसे होगा? तो ये जो आयरन के इंजेक्शन लगाते हैं, आयरन की गोलियां खाते हैं एलोपैथी की, ये सिंथेटिक आयरन अच्छा नहीं होता है, इससे पेट खराब होता है और ये शरीर में जा कर के इधर उधर जम कर के और बखेड़े पैदा करता है। तो नेचुरल सोर्स है आयरन का सबसे अच्छा, अनार, गाजर, चुकंदर, वीट ग्रास, एलोवेरा, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और जब अंदर से बनता नहीं, लीवर की भी कंडीशन खराब हो जाती है, तो वीट ग्रास और एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर के साथ साथ हम भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, निशोथ, शिवनाक और अरंड के पत्तों का रस और पिला देते हैं। तो लीवर फंक्शन अच्छे होने से फिर हीमोग्लोबिन 7 से 14 हो जाता है विद इन ए वीक। इसी अनार, गाजर, चुकंदर का ही हम वो भी दे देते हैं, बस्ती भी, एनिमा जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा देते हैं, होल्ड करवाते हैं उसको 15-20 मिनट, और 7 से 14 हीमोग्लोबिन विद इन ए वीक हो जाता है। और जितनी भी हरी सब्जियां, पालक है, बथुआ है, मेथी है, चौलाई है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, गाजर से लेकर के और बाकी सारी चीज़ें, हरी सब्जियां और बाकी सब्जियां, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, सब में नेचुरली आयरन होता है। ये आयरन के नाम पर आजकल ना फोर्टिफाइड फसलें, ग्रेन्स, फोर्टिफाइड सोल्ट, आयरन, आयरन उसमें डालते हैं सोल्ट में, ये सब फालतू का चौचलेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। इसे ढकोसलेबाजी और चौचलेबाजी से बच करके अपना सिंपल चीजें खाओ पियो, आयरन एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 25-30 सालों से, जब से मैंने टेस्ट कराने शुरू किए ब्लड के, तब से 17.5 रहता है। कि आयरन को पचाने के लिए फिर शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन सी साथ में लें, यानी कि संतरा खाएं, नींबू पानी लें, और अब तो ये मौसम भी इसके लिए बड़ा मुफीद है, तो आयरन को पचाएं विटामिन सी के साथ। तो स्वामी जी अब बात कैल्शियम की भी कर लेते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांतों की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो स्वामी जी अगर हड्डियां कमजोर हो गई तो बहुत दिक्कत होगी, आप यौगिक उपाय के साथ साथ ये भी बताएं कि कैल्शियम की कमी को खाने पीने में कौन से सुधार करके ठीक किया जा सकता है। दूध दही छाछ तो एक बताया, दूसरा है कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा होता है चौलाई में, जो में, सिंघाड़े में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। तो जो, चौलाई, सिंघाड़ा और बाजरा, रागी आदि, इसका प्रयोग करें, और ये नेचुरल डाइजेस्ट भी हो जाता है और हड्डियां इससे एकदम मजबूत रहेंगी। वैसे प्राकृतिक तौर पर आयरन के लिए मड्डू और हमन आयरन कॉम्प्लेक्स देते हैं, और प्राकृतिक तौर पर मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, ये प्योर कैल्शियम होते हैं, 10-10 ग्राम लेकर के और 1/4 ग्राम शहद से ही चाट लें, एकदम नेचुरल। और
बाकी अनानास में भी ये सारी चीज़ें काफ़ी भरपूर होती हैं, बाकी अलग अलग वेजिटेबल्स में अलग अलग मात्रा में होती हैं। दूध दही तो सबसे अच्छा विकल्प है, इसलिए आज हमने दूध दही पूरा यहाँ पर ही रखा हुआ है। एक में वंशलो कहा जाता है, वो अप्रतिम होता है इसके लिए, तो कैल्शियम की कमी किसी को नहीं। और जितने भी जंक फूड फास्ट फूड है, खास करके ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये कैल्शियम को वर्कआउट करते हैं। इसलिए अब मैं नाम लेकर के भी बोलूँ तो मैं तो बोल ही सकता हूँ, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, पिरिंडा, क्या थम्सअप, आओ कुछ तूफानी करती है, सब तुम्हारे भीतर जो है ना केमिकल्स का तूफान उठा के सारे बॉडी के कैल्शियम आदि को वॉश आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इनसे बचे। स्वामी जी, शरीर के लिए एक और न्यूट्रिशन जरूरी है, उसकी भी बात कर लेते हैं, और वो है विटामिन ए, जिसकी कमी से आंखें कमजोर होती हैं, बच्चों की ग्रोथ पर असर पड़ता है। अब विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए नेचुरल सोर्सेस क्या हैं? तो बेस्ट है ताकि बच्चों की हाइट और ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहे, गाजर सबसे अच्छा है। विटामिन ए से आंखें भी अच्छी रहती है, ए भी मिलेगा उसको गाजर से, और उससे आयरन की भी कमी पूरी होगी, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देता है। और लाल गाजर की और पीली गाजर की बजाय ना काली गाजर हुआ करती थी, मैंने उसका भी संरक्षण का बचपन में तो वही खाया था, काली गाजर में थोड़ा सा हल्का आलू और घी डाल करके खाओ, उससे अच्छा पकवान कुछ नहीं होता साहब। और गाजर का रायता तो इतना जबरदस्त होता है, दो ही चीजों का रायता सबसे बेस्ट होता है, एक गाजर का रायता हल्का सा स्टीम दे करके आप दही के साथ खा करके देखो, एक गाजर का और दूसरा बथुए का, ये तो सुपर टॉनिक है, जिसको कहते हैं ना सुपर फूड, ऐसे है। तो ये ए के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एक होता है ओमेगा, वो होता है फ्लैक्सीड में, फ्लैक्सीड सबसे बेस्ट है, लोग मछली और सिवर की चर्बियाँ रगड़ रगड़ करके निचोड़ निचोड़ करके उसमें से ओमेगा निकालते हैं, फ्लैक्सीड एक चम्मच खा लो, और तिल खा लो, उससे कोलेजन भी मिल जाता है, 100 साल तक चेहरा जवान रहेगा। मैं कहता हूँ एक चम्मच तिल, एक चम्मच फ्लैक्सीड सप्ताह में 3 बार भी खा लो, और एक गाजर सलाद के रूप में अथवा जूस के रूप में पी लो, 100 साल तक गाजर से कोलेजन भी अच्छा रहता है। हाँ, हमने देखा है, तो कोलेजन के लिए, ओमेगा के लिए, एजिंग के लिए ये सब प्रयोग कर लेंगे, और फिर जो है 100 साल तक फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रखने हैं, तो हमारी 3 देवियां लगी पड़ी हैं स्थित कोणासन करने में, कंपटीशन में एक दूसरे से खूबसूरत हुई जा रही है मीनाक्षी दोस्तना जी, पूजा जी। हम आपस में ही मोटिवेशन ढूंढ लेते हैं स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, आजकल लोग कम उम्र में ही न्यूरो प्रॉब्लम के भी शिकार हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? इस कमी से जिन लोगों की मेमोरी वीक हो गई है, जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उन्हें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए ताकि याददाश्त जो है वो प्रॉपर रहे, तेज रहे? एक तो ओमेगा जरूरी है मेरे भाई हुसैन, और दूसरा जो है ना, ये जो हर एक बॉडी जो है का जो मेन स्ट्रक्चर है ना, वो प्रोटीन से बना है, तो उसके लिए क्या करें? प्रोटीन के लिए लोग अंडे खाते रहते हैं, और वो बहुत अच्छा नहीं होता, हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं कल एक सुअर को देखा, ऐसे कीचड़ पड़ा हुआ था, और उसमें मुंह मार मार करके और पता नहीं क्या ढूंढ ढूंढ के खा रहा था, इतना गंदा जीव होता है। इसलिए इस्लाम में सुअर का मांस खाना पाप अधर्म उसका समझते हैं। और फिर मैं देखा मुर्गी को, किसी आदमी ने वो कफ कोल्ड खांसी और उसको फेंक दिया, और पास में मुर्गा था, उसने मुर्गी थी, उसने खा लिया और उसका अंडा बना करके आदमी को दे दिया, तो आदमी की सारी बीमारियां उस अंडे में आ जाती हैं। ये वर्ल्ड फ्लू और बाकी सारी चीज़ें, ये चेतावनी है कि जब ये मुर्गे का अंडा या मुर्गे की पोटी होता है, जो पिछौंडे से निकलता है, पोटी होता है, कोई बहुत बढ़िया चीज़ थोड़ी होती है, एग मतलब उसका मिश्रेशन बोलो या कुछ भी बोलो या पोटी बोलो, उसी को खा रहा है प्रोटीन के लिए। तो सबसे अच्छा है दूध, दही, छाछ, दालें और सोयाबीन, नहीं तो न्यूट्रिला का ले लिया करो, और ये तो प्रोटीन के लिए। और स्प्रिलुना सबसे बेस्ट होता है, स्प्रिलुना, ये
जो है एक तरह का पानी के ऊपर तैरता हुआ जो हरा हरा घास होता है ना स्प्रिलिना, वो सबसे अच्छा होता है। नहीं तो बॉडी वेट के हिसाब से किसी का 60-70 किलो वजन है तो 60-70 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसको, तो ये 6-7 ग्राम में ही काम चल जाता है। इतना ज़्यादा ये माइक्रो लेवल पर काम करता है स्प्रिलिना। दो दो गोली खा लिया करें सुबह दोपहर शाम जिनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और ये ओमेगा जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के लिए, और ओमेगा का सबसे अच्छा स्रोत मैंने अलसी बता दिया। अब जो आलसी लोग हैं तो न्यूट्रिला का ले ले, हम इसमें भी देते हैं ओमेगा न्यूट्रिला ओमेगा सीवकथोन, वो तो और भी ज़्यादा होता है, उसमें विटामिन सी भी होता है। और फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खा ले तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के कोई डिसऑर्डर मेरे भाई हुसैन नहीं होंगे। और जिनको अपनी पत्नी और का एक्सेशन हो जाए उसके बाद फिर सवालों में चलते हैं तो वो ये कोलेजन प्रास्ताविक खा लिया करें, वो बहुत जरूरी है। बिना प्राणायाम के, प्राण शक्ति ही शरीर की जीवनीय शक्ति है। प्राण के रहते ही ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त चेतना सब काम करता है। प्राण निकल गया तो जीवन है जीव प्राण धारणे मृग प्राण त्यागे, प्राण पखेरु उड़ गए फिर ये खाना पीना सब बेकार। इसलिए भस्त्री का 2 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट कपालभाति सब खाया पिया झमझगम मूलाधार से सस्रार तक देह देवालय बनेगा। और नर में नारायण जीव में ब्रह्म मानव में महान मानव प्रकट होगा, पिंड का ब्रह्मांड के साथ संबंध हो जाएगा। देखो एक स्थूल शरीर है, इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, पूरे जगत में व्याप्त जो पंच महाभूत है और पंच तन्मात्राएं हैं और उनके साथ हमारा संबंध हो जाता है, बड़ा जबरदस्त मामला है। सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। अब तो सब नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ, नैनो साइंस की ओर बढ़ रहे हैं कपालभाति। और फिर बाह्य प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, ये 3 बंद के साथ। और ये ऊंचाई स्वामी जी आप प्राणायाम करवाएं वो और साथ में टीवी खोलते ही भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम शुरू कर देते हैं। उज्जाई और अनुलोम विलोम राम रुद्र गीत ज्योतिर मीनार जी और पूजा जी कर लेंगे। आप प्रश्न काल ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, पहला सवाल लाडा देवी का है, उनको आर्थराइटिस है और उनके लिए क्या ऐसा उपाय है जिससे आर्थराइटिस की दिक्कत दूर हो जाएगी? तो हमारे घर में जो बहुत प्यारी बच्चे होते थे उनको बोलते हैं लाडो, तो ये तो लाडो देवी होगी शायद, ये लाडा देवी जो भी होगा, तो लाडो बहुत प्यार से बोलते हैं लाडली को, तो अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। हल्दी मेथी सोंठ का पाउडर खाया करें, हल्दी मेथी सोंठ बराबर लेके, और जो गर्मी करे तो हल्दी मेथी सोंठ को थोड़ा दरदरा कूट के रात को भिगो करके थोड़ा उसमें अजवाइन भी डाल दें, और यदि हो सके कहीं मिल जाए तो थोड़ा सा उसमें निर्गुंडी, थोड़ा सा उसमें सहजना, थोड़ा सा उसमें पारिजात, गिलोय भी साथ में भिगो दें, तो भिगो कर लेने से फिर गर्मी भी नहीं करेगा। नहीं तो वातारी चूर्ण ले ले खाली पेट, पेडानील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीन, और दूध में हल्दी सलाजीत या लाक्षादी गोगल लेने से हड्डियाँ इतने मजबूत हो जाती है, और अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं ना जितने भी पेन मार्कर्स हैं आरए फैक्टर सीआरपी एन एवन एचएलबी 27 निकल जाते हैं गोखरू से और गोधन अर्क से, दोनों में से कोई भी एक चीज़ के लिए पूरा शरीर। और उपवास थोड़ा सा कर लें 3 दिन तक, और उपवास के दौरान एटीएम की सब्जी खाएं, एलोवेरा टर्मरिक और मेथी 100 ग्राम एलोवेरा 20 ग्राम 25 ग्राम मेथी अंकुरित और 5-10 ग्राम हल्दी कच्ची डाल करके 1-2 चम्मच गाय के घी में थोड़ा हींग जीरा ये डाल करके उसकी छौंक लगा करके खा लें, और ये तरह से दर्द सबके खत्म, लाडो देवी के भी और सबके। जी स्वामी, स्वामी जी बहुत दूर दूर से सवाल जो आते हैं वो हम तो शामिल कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कोयल भी कुछ कहना चाह रही है आपसे, बार बार आवाजें आ रही वहां से। निसर्ग के बीच में रहें, प्रकृति की ओर लौटे, अपनी जड़ों से जुड़े। पूजा सवाल ले लें आप। बिल्कुल स्वामी जी, अगला सवाल विकास का है, उनकी उम्र 60 साल है और उनका यूरिक एसिड काफी ज्यादा हाई हो गया है, उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। यूरिक एसिड के लिए प्रिया जी सबसे अच्छा, पूजा जी सबसे अच्छा है
ये गोखरू, गोखरू से एकदम हमारे चीफ साइंटिस्ट अनुराग वार्ष्णेय को बढ़ गया था। एक सप्ताह पिलाया गोखरू का पानी और चंद्रप्रभा गोक्षरादि गुगुल एक एक और दे दे, एक सप्ताह में यूरिक एसिड 100% नॉर्मल। और सुबह सुबह गोधन अर्क पीने से एक बालक जो है मुझसे एयरपोर्ट पर हर बार मिलता था, पेट भी मोटा हो गया तो यूरिक एसिड बढ़ गया था। मैंने कहा बेटा गोधन अर्क पी, और बोले जी मैं हर महीना एक एक बोतल पी लेता हूँ, पेट उसका करीब 15-20 किलो कम हो गया और यूरिक एसिड पूरा गायब हो गया। तो यूरिक एसिड के लिए गोखरू बेस्ट है, चंद्रप्रभा और गोक्षरादि और ले लेते हैं तो इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाता है। दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें ना खाएं और थोड़ा प्रोटीन की मात्रा कम कर दे, दालें कम कर दे थोड़ा सा। स्वामी जी अब एक सवाल सुखविंदर का है, गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद से इन्हें एसिडिटी की परेशानी हो रही है, तो क्या करें कि ये परेशानी ठीक हो जाए? एसिडिटी जिनका भी गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ उनको अक्सर टेंडेंसी बनी रहती है, तो एक गोली लिवोग्रिट की खा लिया करें, तीन उपाय बता रहा हूँ। वैसे तो हमने एसिडोग्रिट भी बना रखी है, एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट दोनों खा ली तो लीवर फंक्शन, पाचन तंत्र और एसिडिटी दोनों भी एकदम बैलेंस रहेंगे। और सबसे अच्छा है व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी, तीनों में से कोई का भी एक का जूस पी लें। सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता सेव और अंकुरित, वो भी एसिडिटी को रेगुलेट करता है। और थोड़ा मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर लगा लें, अथवा गीले पानी की पट्टी पेट के ऊपर रख लें, अथवा ये पिंडली थोड़ी सी ऐसे दबा लिया करें, इससे भी एसिडिटी बहुत अच्छी हो जाती है और पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा रहता है मेरी बहन पूजा जी। एक और प्रश्न स्वामी जी दीप का है, उनकी उम्र 29 साल है और ओसीडी की परेशानी है, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो स्वामी जी इस परेशानी का समाधान क्या है? बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा। तो दीप जी से लेकर के बाकी सबके लिए बता देता हूँ, एक तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ज्यादा किया करें और इम्यूनोग्रिट और मेधावटी, बस एक एक सुबह शाम ले लें, पूरी तरह से जीवन दीप प्रकाशित रहेगा, ओसीडी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुलोम विलोम ये बहुत जब 5 सेकंड में लेना 5 सेकंड में छोड़ना, और भ्रामरी उद्गीत ये भी बड़े जबरदस्त हैं। स्वामी जी योग प्राणायाम इस पूरे सेशन के बाद अगर किसी ने समझ लिया कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, तो ये डेफिशिएंसीज तो दूर हो ही जाएंगे। तो स्वामी जी वो पौष्टिक थाली आज क्या होनी चाहिए ये आप दर्शकों को बताएं, उससे पहले हम बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। फ्रोजन शोल्डर, गर्दन में अकड़न, योग से खत्म स्पॉन्डिलाइटिस की टेंशन, मौसम बदला, बैक पेन ने जकड़ा, कम उम्र में बढ़ा स्लिप डिस्क का खतरा, साइटिका के दर्द पर योग का प्रहार, स्वामी रामदेव बताएंगे रीढ़ के उपचार। तो सुबह 7:56 पर हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, कल रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएंगे स्वामी जी। तो देखो एक तो मैंने कहा केवल गेहूं केवल चावल इसको छोड़ करके, एक तो नवरत्न आटा हमने सबको दिया है, नवरत्न आटे की रोटी बना लिया करें, या किसी दिन रागी, किसी दिन ज्वार की, किसी दिन बाजरा की, किसी दिन चौलाई की, कुट्टू की, अलग अलग ये रोटी बनाया करें, अलग अलग दालों का इस्तेमाल किया करें। और एक चम्मच ये जो मक्खन है ना वो तो ज़बरदस्त होता है, एक चम्मच मक्खन आपने सुबह सुबह खा लिया ना ये तो एकदम लोनी मक्खन है। और इसके लिए साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अंकुरित उसको अपने भोजन में जरूर सम्मिलित करें, जिनके पास सामर्थ्य है वो ड्राई फ्रूट भी लिया करें, और सीक्वेंस ऐसा रखें भोजन का, पहले थोड़ा अनार खाया, पपीता खाया, सेब खाया, और फिर उसके बाद सलाद, सलाद के बाद मिक्स ग्रेन की रोटी, मिक्स दाल, और अंत में छाछ पिया करें,
अंत में छाछ और दही, साउथ में लोग कर्ड राइस के बिना उनका भोजन ही पूरा नहीं होता। और ये मलाई वाला दे, और मलाई वाला जो है दूध ना, ये तो किस्मत वालों को ही मिलता है जो ऐसे खाना खाएंगे। और एक चम्मच घी भी दाल में डाल करके या रोटी पर डाल करके किसी न किसी रूप में इसका भी सेवन जरूर किया करें। जो ऐसे हेल्दी खाएंगे वो हेल्दी रहेंगे, न्यूट्रिशन पूरे मिलेंगे, उनको विटामिन्स की गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का प्रोग्राम देख करके अब हिंदुस्तान फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह की डेफिशिएंसी से बचेगा, पूर्ण हेल्दी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और यही स्वस्थ और समृद्ध भारत हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। उपचार के बाद समाचार आपकी प्रतीक्षा रोज करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।